सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इफ्तारी के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहीं जाए और ये दिल्ली का ट्रैफिक ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग। तो हम आ गए हैं चांदनी चौक, ये हमारा लाल किला है, इसके सामने जामा मस्जिद है। हम जामा मस्जिद में आज इफ्तार के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखिए मस्जिद की रौनक, देखिए ये तो सारा क्राउड है। तब यहाँ पे आप तारीख आ चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली। तो हम जामा मस्जिद पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। आगे और भी मिलेंगे लाइक। सो देख रहे हो ना, जामा मस्जिद हमारे सामने है और यहाँ पे क्राउड, OMG कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। सो हम इंटर कर चुके हैं, अंदर भी उतना क्राउड है। ये तो फिर भी असर का टाइम था तो इतना क्राउड था, मगरिब के टाइम में तो इससे डबल से डबल क्राउड हो गया था भाई साहब। ऐसे में इंसान दब जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है। वो तो अच्छा है कि हम पहले आकर हमें जगह मिल गई, और अगर आप मगरिब के टाइम में जाओगे ना आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, आपको खड़े खड़े इफ्तार करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन हो गया था। वो तो हमारे लिए अच्छा था कि हम पहले आ गए। तो ये रहा जामा मस्जिद। सो जो गुम्बज है ना, इसके ऊपर एक गुम्बज पे हम जा सकते हैं, पर उसके चार्जेस लगते हैं। और इसके सामने ही हमारा है लाल किला, देखिए आमने सामने दोनों पड़ता है। तो यहाँ से इसका भी व्यू मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा था। बट क्राउड सीरियसली बहुत ज़्यादा था आज का क्राउड। तो फिर क्या, असर का टाइम था, हमें वज़ू बनाना था, तो हम गए वज़ू बनाने। यहाँ पे मैं और भाभी जा रहे हैं पहले वज़ू बनाने साथ में। तो यहाँ पे ये है हमारा वज़ू खाना जामा मस्जिद का। यहाँ पे भी देखो कितनी ज़्यादा क्राउड है, सब यहाँ पे वज़ू बनाने आ रहे हैं। और यहाँ पे भाभी हमारी जी वज़ू बना रही हैं। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं ना यार, और फिर वो बोलते हैं कि इन्होंने इतना गंदा कर दिया, ये चीज़ गंदी है, खुद ही गंदगी फैला के जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही चलते चलते हमारा इफ्तारी का टाइम हो गया, हम यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रहे हैं। ट्रैवलिंग करते ही करते थोड़ा सा थक गई है, सो गई है वहाँ पे। यहाँ पे हमने इफ्तारी की थोड़ी सी तैयारी की, यहाँ पे फ्रूट्स कट हो चुके हैं। अभी भाई और इफ्तार लेने गए, यहाँ पे हमारा मांजा है जो कि एज अ सर्विस की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैं क्राउड दोबारा से निकाली, तो बहुत ज्यादा क्राउड है, क्राउड रुकने का नाम ही नहीं लेना। भाभी आपको कुछ कहना है इस क्राउड के बारे में? बहुत क्राउड है यहाँ पे, और आज स्पेशली फ्राइडे है तो इसलिए कुछ ज्यादा ही क्राउड है। तो यहाँ पे इफ्तार के और सारे सामान आए, यहाँ पे बिरयानी लेके आए हैं जो कि चिकन और मटन दोनों के थे, और यहाँ पे कुछ कचौरी लेके आए थे, कबाब थे, और ये हमारे खजूर और अंगूर भी ये चीज़ भी निकल चुके हैं। यहाँ पे हम पानी लेके आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें रोज़ा इतना ज़्यादा लग गया था ना क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, हमें ये भी एक्सपीरियंस करना ही था कि कैसा लगता है हम अफ्तारी करने कहीं जाते हैं। तो जामा मस्जिद को मैं फर्स्ट रमज़ान से सोची थी कि अब जाऊँगी, बट फाइनली अभी मनाने के बाद हम गए, फ्राइडे वाले दिन गए, इतना ज़्यादा क्राउड मिला। बट कोई बात नहीं, होता रहता है। तो यहाँ पे हमारा इफ्तारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब रमजान का वेट करेंगे। उसको दे दे, एक उसको दे दे, इसमें से हाफ ले लो। तो यहाँ पे हो चुकी है, और यहाँ पे मैं दोबारा दिखा दूँ, लाइट्स वगैरह जामा मस्जिद में जल चुकी है, और यहाँ का व्यू इतना प्यारा आ रहा है। जामा मस्जिद के लोगों की कुछ बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो इफ्तार के टाइम में जो फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे थे ना, जो उनके छिलके वगैरह थे ना, वो वहीं पे फैला के छोड़ गए थे। ये भी नहीं कि तुम्हारे जो फ्रूट्स के छिलके वगैरह, एटलीस्ट उनको उठा के एक डस्टबिन में डाले और उन्होंने इफ्तार कर लिया और अपना कूड़ा वहीं पे छोड़ के चले गए, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी डूड। अगर आप करने आए हो तो उस चीज़ को अच्छे से देखो ना यार, साफ़ सुथरी जगह रखो, बहुत गलत चीज़ थी। तो यहाँ पर अभी हम जाने लग गए हैं, अब हम निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। सो एक बार यहाँ तो चलो चलते हैं हम। सो लुक एट दिस, इतना ज़्यादा क्राउड था, देख रहे हो ना। अभी और प्रॉपरली दिखाते हैं, ये देखो, देख रहे हो ना, माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लोग थे ना यहाँ पे। अगर किसी का बच्चा होता यार वो पिस जाता, संभाल के ले जाना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में।
कोई नहीं, अभी हम आराम से उतरते हैं जामा मस्जिद के जीने से नीचे, और यहाँ पे बाहर आप शॉपिंग्स वगैरह भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉप है, चाहे आप सूट लो या तो कुछ भी लो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। फिर हमने जामा मस्जिद के बाहर से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया शॉपिंग करके। और हाँ एक चीज़ और, आपको अपना फ़ोन और पर्स का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चोरी होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ वहाँ मैं एक बार वजू बनाने गई, वहाँ पे से एक बंदे का फ़ोन ही गायब हो गया, वो चिल्ला के बोल रहे हैं मेरा फ़ोन जिसके पास है वो दे दो, अब किसी ने ले लिया आप थोड़ी ना वो देगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम इनाया के लिए हिजाब लेते हुए, ये इनाया का फर्स्ट हिजाब है, हमने यही चॉइस किया, लाइक पापा को यही चीज़ पसंद आई थी तो पापा ने यही लिया। यहाँ पे हम ट्राई करके देख लिया इनाया का हिजाब उस पर कैसा लगता है, तो यहाँ पे और सारे भी चुन्नीज वगैरह हिजाब वगैरह है, आप भी ले सकते हैं, तो जो आपको पसंद आए आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इनाया का ये हिजाब लिया, पापा जी बोलो ले। तो यहाँ पे टॉयज वगैरह दिखे और बच्चे वहाँ पे चले गए और लेने लग गए। वाकई यहाँ का जो मार्केट है बहुत बड़ा है, आपको भी बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ से अगर आप सर्च करें देखे जाके। तो यहाँ पे हम इनाया और बच्चों के लिए सारे टॉयज ले रहे हैं। हमारी सारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, हमें जो थोड़ी बॉडी गर्मी थी, और यहाँ पे हम जाते रहे घर, हम घर जा रहे हैं अब। अभी तो ट्रैफिक नहीं था बट थोड़ी देर बाद ट्रैफिक मिल गया था, तो जब ट्रैफिक होता है यार ऐसा लगता है यार फटाफट हम घर पहुँच जाए, पर कोई और हाँ मुझसे ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं होती, आई डोंट नो व्हाई मैं ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकती, पता नहीं ऐसे। तो फिर हमने नागरिक के अनुसार इससे डिनर पैक करवाया क्योंकि घर जाते किसी के अंदर जान नहीं थी कि जो घर पे जाके डिनर बनाए। तो फिर वहीं से हमने अपना पाव रोटी लिया जो कि हम शहरी में ऑलमोस्ट कभी कभी खा लेते हैं। यहाँ पे इनाया और पापा एक साथ बोल रहे हैं हाय सोते हेलो। तो यहाँ पे हमने शिवाई और खजूर भी लिया, तो यहाँ का जो रौनक है कुछ ऐसे बरकरार रहता है। ये देखो बड़ा मस्जिद है ये नागरिक का, अगर आप रहते हो नागरिक में तो आपको पता ही होगा। यप तो सो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और मैं बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए, क्योंकि ये मोस्ट फेवरेट चीज़ है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं बिरयानी हमेशा खा सकती हूँ, और ये कढ़ाई चिकन है जो वहाँ का फेमस है, और यहाँ पे रोटी निकाल रही है मेरी सिस्टर, हम साथ में बैठ के हमने डिनर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।